इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 4 हैं। फर्स्ट सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि टोटल क्वेश्चंस 20 हैं और हर एक क्वेश्चन को एक मार्क अलॉट किया गया है। सेकंड सेक्शन है करंट अफेयर्स, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। थर्ड सेक्शन लाइफ स्किल्स है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं और नंबर ऑफ मार्क इज 1। लास्ट एंड फोर्थ सेक्शन इज अचीवर सेक्शन, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 है और टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन इज 2। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ओवरऑल पेपर इज 35 एंड टाइम अलॉटेड इज 1 आवर। डिटेल में सिलेबस को जानने के लिए इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सिलेबस सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 1, द एडिबल पार्ट इन द गिवन पिक्चर इज डैश। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो पिक्चर दिया गया है वो प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे खाया जाता है। पोटैटो यानी कि आलू के प्लांट के जिस हिस्से को हम खाते हैं वो एक बहुत ही थिक स्टेम होता है, जिसे कि हम ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो इज क्लासिफाइड एज अ स्टेम बिकॉज इट हैज मेनी नोड्स नोन एज आईज एंड द स्पेस बिटवीन ईच आई इज इंटरनोड्स। द पोटैटो आई ग्रोज इनटू अ शूट एंड न्यू प्लांट। Here, the correct option is A, stem. Question 2, which of the following does not lay eggs? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें कुछ एनिमल और बर्ड्स हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है लिविंग बींग जो कि अंडा नहीं देता है। ऑप्शन ए पेंगुइन, ऑप्शन सी बटरफ्लाई एंड ऑप्शन डी पीजन, ये तीनों ही एग्स ले करते हैं। ऑप्शन बी बैट यानी कि चमगादड़, अंडे नहीं देते हैं, यानी कि दे आर मैमल्स एंड मैमल्स डू नॉट ले एग्स बट दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड्स मिल्क। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी बैट। क्वेश्चन 3, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इंसेक्ट। क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसको पढ़ के आपको बताना है कि ये दिए गए ऑप्शन में से किस इंसेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन सी हाउस फ्लाई, ऑप्शन डी ग्रास हॉपर, वेब नहीं बनाते हैं, ऑप्शन बी स्पाइडर को आपने देखा होगा हर कोनों में एक जाली नुमा यानी वेब बनाते हैं, सो हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी स्पाइडर। क्वेश्चन 4, विच कंट्रीज टीम ऑलवेज मार्चेस लास्ट इन द मार्च पास्ट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द ओलंपिक्स। एज पर द ओलंपिक गेम्स प्रोटोकॉल ग्रीस always marches first and the host country always goes last. The remaining countries are ordered alphabetically in the language of the host nation. Olympic Games के protocol के मुताबिक Greece जो है सबसे पहले march करता है और जो host country यानी कि जहाँ game host हो रहा है वो last में march करता है. So here the correct option is A, current Olympic host country. Question 5, rearrange the jumbled words to find the name of a transport that hovers in the sky. इन चारों को आपको rearrange करके बताना है कि ऐसा कौन सा mode of transport है जो कि आसमान में मंडराता है। One by one इस option को हम rearrange कर लेते हैं। Option B है sailboat and option D is submarine। ये दोनों ही water mode of transport है। ऑप्शन सी बाइसिकल है, जो कि एक लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि रोड पे चलने वाली सवारी है। ऑप्शन ए है हेलीकॉप्टर दैट होवर्स इन द स्काई, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन 6, व्हिच टर्म इज रिलेटेड टू द बोर्ड गेम शोन इन द पिक्चर। यहाँ पे जो इमेज दी हुई है वो गेम है लूडो और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ब्लू कलर में दैट इज नोन एज डाई। करेक्ट ऑप्शन इज डी डाई। क्वेश्चन 7, व्हेन वी मेक अ मिस्टेक We should always say, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तब हमें क्या कहना चाहिए? हमें अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए and we should say, I am sorry. Option D is the correct answer. Question 8, which of the following activities is not safe? क्वेश्चन में चार इमेज दी गई है जिसको देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी इमेज है जिसमें कि ऐसा काम हो रहा है जो कि सुरक्षित नहीं है। जैसा कि हम इमेज में देख सकते हैं, ऑप्शन ए में बच्चों के साथ एक बड़ा है जो कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा है एंड इट्स अ सेफ एक्टिविटी। ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं कि एक बस है जिसमें कि लोग लाइन में बस में चढ़ रहे हैं, दैट्स आल्सो अ सेफ एक्टिविटी। ऑप्शन डी में एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ स्विमिंग पूल में है, दैट्स आल्सो अ सेफ एक्टिविटी। बट इन ऑप्शन बी बच्चे जो है
रोड पर बॉल खेल रहे हैं, दैट्स वेरी अनसेफ, और इससे बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। सो द एक्टिविटी विच इज नॉट सेफ इज ऑप्शन बी, प्लेइंग ऑन द रोड। क्वेश्चन 9, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। जैसा कि हम हर एक ऑप्शन में देख सकते हैं, पहले में लिखा हुआ है करेंसी का सिंबल, नेक्स्ट में कंट्री का नाम, और उसके नेक्स्ट में उस कंट्री की करेंसी। वन बाय वन हमें देखना होगा कि कौन से ऑप्शन में तीनों ही चीजें सही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। सो ऑप्शन ए में है इंडिया, इंडिया की करेंसी है रूपी और उसका सिंबल भी सही है। ऑप्शन बी में है स्विट्जरलैंड, जिसका की करेंसी दिया हुआ है फ्रैंक। सो ये करेंसी का नाम तो सही है, बट इसका जो सिंबल है वो गलत दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने इमेज ऐड किया हुआ है, एफ लिखा हुआ जो है, दैट इज द रियल सिंबल ऑफ फ्रैंक। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट मैच। ऑप्शन सी में है येमेन, यानी कि उसकी करेंसी है रियाल। सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, बट जो सिंबल दिया गया है वो गलत है। सही सिंबल यहाँ पे हमने इमेज में ऐड कर दिया है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट मैच। ऑप्शन डी में है कंट्री का नाम ऑस्ट्रिया और करेंसी का नाम यूरो, जो कि करेक्ट है, बट द सिंबल इज इनकरेक्ट। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट मैच। द ओनली करेक्ट मैच हियर इज ऑप्शन ए। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी सिंबल्स हैं दैट यू कैन रिमेम्बर फॉर योर ओलंपियाड एग्जाम्स। क्वेश्चन 10, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे वन बाय वन आप क्वेश्चन की इमेज को देखिए, हर एक पैटर्न को कोशिश कीजिए कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देन यू विल श्योरली फाइंड द मिसिंग पैटर्न। जैसा कि हम यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न को देख रहे हैं, एक डायमंड शेप दिया हुआ है जिसमें कि चार सिंबल्स हैं। जो पहले पार्ट का सिंबल है, यानी कि प्लस और उसके नीचे मल्टीप्लाई है, वो नेक्स्ट सिंबल में चेंज हो गया है और इंटरचेंज उसकी शेप्स हो गई हैं। एंड सेकेंड डायमंड और थर्ड डायमंड की जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई सिंबल या प्लस सिंबल, दोनों सेम है। देन थर्ड और फोर्थ में फर्स्ट वाला पार्ट यानी प्लस और नीचे मल्टीप्लाई वाला, वो पैटर्न सेम है। इसी तरीके से वो सीरीज चल रही है, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो दो डायमंड्स, देन दो डायमंड्स, देन दो डायमंड्स में रिपीट होता जा रहा है। अब सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। जो फर्स्ट डायमंड है उसमें ऊपर में माइनस की साइन है और नेक्स्ट नीचे में डिवीजन की साइन है। एंड देन अगेन सेकंड डायमंड भी उसी तरीके से रिपीट हो रहा है। थर्ड और फोर्थ डायमंड एक जैसा सिंबल है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डायमंड में सेम ही है, और ये वाला पार्ट इसी तरीके से दो दो के पैटर्न में फॉलो हो रहा है। मिसिंग ब्लैंक में जो पैटर्न आएगी, उसमें सेकंड वाले पार्ट में ऊपर डिवीजन होगा और नीचे में माइनस का सिंबल होगा, और फर्स्ट वाले पैटर्न में ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल होगा और नीचे में एडिशन का होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी,